कोई मास्टरमाइंड तो नहीं कहता, बट कभी कभार सारा दिमाग ऐसा चलता है ना, ऐसा कि भाई पूछो ही मत। कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं काम से जा रहे हो, कुछ चीजें ना तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। एंड द शिट दैट आई जस्ट डिड राइट नाउ, इट वाज लेजिट अ शिट, वो भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टेंशन ना लो, मैंने हाथ धो लिए थे, ये शायद नहीं धोए थे। जानने के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग चैनल पे, यानी कि उदय कांबोज ब्लॉग पे। खैर अभी जो है बज रखे हैं सुबह के 7:30, और इतनी सुबह सुबह इतने एनर्जेटिक मेरे को इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि मैंने और दीदी ने जाना सेक्टर 70 थोड़ा हाइप अप हो गया, क्योंकि मैंने और दीदी ने जाना है सेक्टर 70 SAS नगर किसी काम से। और देखो मेजरली तो दीदी का ही काम है, तो मेरे को तो 2-3 घंटे या उससे भी ज़्यादा वहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। 8 बजे पर लोगों ने निकलना और 2:30 बजे के करीब वापसी है, तो तुम लोग खुद ही हिसाब लगा लो। मेरे हिसाब से तुम सबने मैथ्स का एग्जाम पास कर ही लिया होगा, फिर कितना टाइम लगेगा। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, भी आज मौसम अच्छा हो रखा, बादल हो रखे हैं आसमान में, मीठी मीठी बारिश सुबह हुई थी, मीठी मीठी थोड़ी देर में हुई थी। बट अपन लोगों ने जाना गाड़ी में, तो मौसम का कोई फक ही नहीं है। तो ठीक है, फ़ोन चार्ज करते हैं, आधे घंटे में निकलना है, पावर बैंक वगैरह उठाते हैं एंड फिर टूर दे के निकलते हैं। और हाँ, हमने ये कपड़े डाल के जाना है क्योंकि मेरे को कच्चे कपड़े डालने का मन नहीं है। भाई देखो, खाना पीना अपने पास प्रॉपर पैक्ड है, जिसमें से एक चिप्स का पैकेट अपन लोगों ने लपेट भी लिया है। सेक्टर 70 अपन लोग पहुंच चुके हैं और अब हमने 4 घंटे की तपस्या कर दी है। भाई देखो, अब 4 घंटे यहाँ पे बैठना सोखा तो है नहीं, तो बीच में देख लेंगे। अभी 10:30 हुए, 12:30-1 के करीब अपन लोग कहीं खाने पीने चल लेंगे, कि भाई देखो बाहर आए और घर का खाना थोड़ा अखा हो ही जाता है। पर जब तक आराम से मूवी देखते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अब अपने को 4 घंटे चुपचाप यहाँ पे बिचाने ही पड़ेंगे। देखो, मैं अपने आप को कोई मास्टरमाइंड तो नहीं कहता, बट कभी कभार सारा दिमाग ऐसा चलता है ना, ऐसा कि भाई पूछो ही मत। एसी इस टाइम पे गाड़ी का 1 पे सेट है, बाहर धूप बहुत ज्यादा है। तो मिनट मेरे को मेरा फोन चार्जिंग से उतारने दो, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ। बाहर धुपी धुपी बहुत ही ज्यादा है एंड इस धूप से बचने के लिए हम वैसे छतरियां लेके आए थे, क्योंकि उम्मीद थी भी बारिश होगी। भाई मैंने पूरी गाड़ी में छतरियां लगा दी, देखो यहाँ पे छतरी, यहाँ पे छतरी, ये दो अपने पास। ओए, यहाँ से जगह थोड़ी सी खाली रहेगी, बट कोई ना भाई, इसका घंटे का फर्क नहीं है। मतलब पूरी गाड़ी एकदम ठंडी हो रखी है एक पीसी चलने के बावजूद। और दूसरा, मेरे को फोन के लिए एक स्टैंड मिल गया। मतलब यार कैसे अटका रखा था, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे अटका रखा था, वेरी गुड। मतलब देखो यार, यहाँ पे फोन अटक रखा है, और सही बार बताऊं तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब निर्वाणा नेक्स्ट लेवल। एंड अभी ऑलमोस्ट हाफ टाइम हो चुका है, यानी कि कितने बज चुके हैं, 12:30 हो चुके हैं। नहीं, हाफ टाइम से तो अभी बहुत ज्यादा, 2:30 बजे फ्री हो रहे हैं, 2 घंटे और पड़ी है। बच्चे लोग ना जो भी है, जैसा भी ठीक है भाई, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, आराम से इस पे मूवी देख रहा हूँ, फोन चार्जिंग पे लगा रखे, चिल वाइब है एकदम नेक्स्ट लेवल। तो ठीक है, जैसी दीदी आते हैं फिर तुम लोगों से मिलते हैं, अपने लोग घर की तरफ निकलते हैं। एंड सोचा मैं क्या व्यू देख पा रहा हूँ, तुम लोगों को भी दिखा दूं। ये देखो, ऐसे एक छतरी आके एक यहाँ पीछे वाली साइड में, और यहाँ से पूरी ये जालियां लग रखी। बस ये वाला एरिया थोड़ा सा ओपन है, बट ठीक है। अदरवाइज तो भाई इस एरिया, इन दोनों के बीच में इस एरिया में फोन अटका रखा है मैंने, और मस्त एकदम भाई नेक्स्ट ही लेवल चीज हो रखी है इस टाइम। और ये छतरी, हाँ ये छतरी हैंड ब्रेक पे टिक रखी है, ये देखो इस पे बिल्कुल यहाँ पे टिक रखी है ये। सो मेरे प्यारे गुगलू बुगलू से ब्यूटीफुल पीपल्स, भाई देखो मेरे को नहीं पता, बट आज कहीं से तो
अपन लोगों के घर पे कुट्टू के आटे के पकौड़े बनने का प्लान बना। इस बार अपन लोगों ने बहुत ही ज्यादा सही कुट्टू के आटे के पकौड़े खाए, खाया एक बैच ही, क्योंकि ज्यादा पेच में हिम्मत नहीं थी भाई। कैंडीज का खाना क्या बढ़िया होता है। अरे हाँ, मैं शायद तुम लोगों को दिखाया नहीं, हम कैंडीज से पेस्ट्री भी लेके आए। तो ये रही, देखो यहाँ साइड में तो कंड में को पड़ी हुई है, बट अभी खाने के लिए नहीं है, ये अपन लोग कल खाएंगे, क्योंकि आज अपन लोग वैसे ही बहुत मीठा खा चुके हैं वहां पे। खैर, अब जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया, इट्स ऑलमोस्ट 8 इन द नाइट, वैसे तो मैं बताना भूल गया, बट अभी जो है अपन लोग दिखाने को चाहिए, तो लोग देखने कुछ नहीं बचा। तो इस वीडियो को एंड होप करता हूँ आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय, पीस आउट, लव यू।